और फर्स्ट 24 आवर्स मेन क्रूशियल है। फर्स्ट 24 आवर्स में उस क्रेविंग को मुझे मैनेज अगर मैं कर लेता हूँ तो 50-60% मेरी लड़ाई जीत जाता हूँ। हाँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना है, सब कॉन्शियसली मैं सिगरेट को याद कर। आपको अगर काउंसलिंग की जरूरत महसूस हो रही है तो आप काउंसलिंग के लिए भी जाइए। तो काउंसलर साहब हमारे साथ में यहाँ बैठे हैं, श्री अनुपम त्यागी हमारे साथ हैं, डी एडिक्शन काउंसलर हैं इंटरनल हॉस्पिटल में। बहुत बहुत आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे पर, कि कैसे तंबाकू से दूर रहा जा सकता है। तो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या है उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, मेरे को मेरा व्यवहार बदलना है, अपनी थिंकिंग को मैं चेंज करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मुझे थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी एडिक्शन के प्रति। एडिक्शन को बेसिक चीज ये है कि मैं स्वीकार करूँ कि मुझे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, मैं स्वीकार करूँ और उसके बाद में मदद मांगूँ। मदद की बात जब आती है तो उसके लिए मैं जैसे डी एडिक्शन काउंसलर हूँ तो काउंसलिंग के नाते मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है। तो वहाँ सर से एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद जो मेरे पास आता है पेशेंट, वहाँ उसकी पूरी जो भी रही है पीछे, यूजिंग कितनी रही है, कब शुरू करी है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए फिर बात करते हैं कि इसमें आगे अब करना क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, करते हैं। पहली चीज़ ये कि मैं अचानक से बंद करूँगा, इवन विद मेडिसिन बंद करूँगा तो कुछ विड्रॉल सिम्टम आएंगे। वो विड्रॉल सिम्टम ये हैं कि मुझे घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे क्रेविंग हो सकती है निकोटिन की, मोस्टली हाफ एन आवर और वन आवर आफ्टर ईच एंड एवरी हाफ एन आवर वन आवर मुझे क्रेविंग हो सकती है। उस क्रेविंग को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें बिहेवियर मॉडिफिकेशन में और इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ में। अगर वो छोड़ना चाहता है, छोड़ने की इच्छा है, इच्छा रखी है छोड़ने की, तो छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ सिचुएशंस आती हैं सर, बहुत कॉमन सिचुएशंस हैं, आपके पास तो काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे। तो सवाल ये कि मैं छोड़ना चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन आती है कि छोड़ दिया लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद शुरू कर दिया। तीसरी सिचुएशन ये आती है कि मैं छोड़ चुका हूँ लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा शुरू होने वाला है। तो ये जो जो कहते ना वॉरियर हैं बेसिकली, वो लड़ रहे हैं इससे अपने अंदर ही, एक खुद के विरुद्ध जो है ना, एक अनुशासन भी होता है कि अपने विरुद्ध आपको एक जंग लड़नी है, तो लड़ रहे हैं उस वॉर को लेकिन वो उसमें हार रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? बेसिकली पहली चीज तो मैं यही कहूंगा, लड़ाई ना करें। दिमाग के साथ लड़ाई करना बिल्कुल भी सही नहीं है एडिक्शन के मामले में, खास तौर से। मैं जितना ज्यादा लड़ूंगा, विल पावर लगाऊंगा, जोर आजमाइश करूंगा दिमाग के साथ, उतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि मैं बोलूँ ना एक चीज के, आपको 5 सेकंड के लिए दिल्ली के बारे में नहीं सोचना है, तुरंत दिल्ली दिखेगी, दिल्ली दिखेगी उसी तरीके से। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना है, सिगरेट में सब कॉन्शियसली मैं सिगरेट को याद कर रहा हूँ बेसिकली, तो वहाँ मुझे अपने दिमाग को हटाना है। हम कुछ तरीके देते हैं छोटे छोटे, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है, कुछ सेकंड्स के लिए डीप ब्रीदिंग कर ली जाए। मैं एक मुझे क्रेविंग आई आधे घंटे में, मैं डीप ब्रीद करूँ, 4-5 सेकंड मैं ब्रीथ को अपने अंदर लूँ, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 करते हुए, क्योंकि एक सेकंड 1000 पे जाके मेरा काउंट हो रहा है। फिर मैं उसको होल्ड करूँ 4-5 सेकंड के लिए एंड देन फिर मैं उसको रिलीज करूँ। इस पीरियड में मेरा जो क्रेविंग है वो क्रेविंग से मेरा ध्यान हट जाएगा और मैं क्रेविंग से बच जाऊंगा और मेरा निकल जाएगा टाइम। फिर छोटे छोटे गोल सेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे आज के दिन मैंने सिगरेट नहीं पीनी है, तो पहला काम मुझे ये नहीं करना है कि बस आज के बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने कसम खा ली है और मैं सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा या गुटखे का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम कहते हैं 5 मिनट के लिए रुकिए, आप जो खाते हैं उस पीरियड पे 5 मिनट नहीं खाना है, देन फिर 5 मिनट नहीं खाना है, देन फिर 5 मिनट नहीं खाना है। ऐसे करके वो आधा घंटा अगर निकालने में मैं कामयाब हो गया तो मैं काफ़ी हद तक एक जीत गया हूँ उस अपने एडिक्शन के आगे। और फर्स्ट 24 आवर्स मेन क्रूशियल है। फर्स्ट 24 आवर्स में उस क्रेविंग को मुझे मैनेज अगर मैं कर लेता हूँ तो 50-60% मेरी लड़ाई जीत जाता हूँ।
आगे फिर मदद के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी तरीके हैं जिनसे मैं और आगे मदद कर सकता हूँ। पहला घंटा बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जिस दिन मैंने छोड़ने की ठानी है, अच्छा मैंने छोड़ने की ठानी है उसमें भी मेरे को तुरंत एक्शन लेना है। टालमटोल इसमें अच्छी चीज नहीं है ना, टालता जाऊंगा तो फिर टलता ही जाएगा। तो अगर मैंने सोचा है मैं आज के दिन नहीं इस्तेमाल करना चाहता, नहीं करना, तो मैं तुरंत वहां से एक्शन लेता हूं कि मुझे नहीं करना। तो एक्शन उसके लिए सबसे पहली चीज कि मैं उस प्रोडक्ट को कैरी करना बंद करूं अपने साथ में, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, कुछ भी है, तो मैं अपने पास ना रखूं। ये पहली चीज है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मुझे जब भी क्रेविंग आएगी तो मैं अपने आप को टाल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि भाई मेरे को वहां नहीं जाना है, अभी रुक जाऊं थोड़ी देर, इंतजार कर लूं। ये थोड़ा एक चरण। दूसरा चरण ये कि मैं जब मुझे क्रेविंग आ रही है, मैं एक मैंने बताया डीप ब्रीदिंग, एक पानी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पानी की बॉटल अगर मैं अपने साथ कैरी करूंगा, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहूंगा, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि पानी से इस क्रेविंग को बहुत हद तक बहुत ज्यादा हद तक रोका जा सकता है। अगर मैं पानी का इस्तेमाल करता रहूंगा तो मेरा बॉडी भी जल्दी डिटॉक्स होगा और मैं उसको रोक पाऊंगा क्रेविंग को भी। राइट, मैं आपसे इसी पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो समाज में डॉक्टर्स के अलावा भी ये सहायता उपलब्ध है। एक बहुत सुंदर बहुत अच्छी संस्था है निकोटिन एनोनिमस के नाम से। निकोटिन एनोनिमस 1980s में अमेरिका में शुरू हुई, यूएसए में। फॉर्मूला सीधा सा है कि ये वो लोग हैं जो निकोटिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, निकोटिन छोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से मैं ग्रुप में जनरली नशा शुरू करता हूँ, कोई सा भी नशा होता है, अकेला शुरू नहीं करता, यही कॉन्सेप्ट मेरे नशा छोड़ने में भी काम आ रहे हैं। तो जब मैं मेरी प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम वाली बात लेके दूसरे लोगों के साथ बैठता हूँ कि भाई आप मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैंने आज नशा नहीं किया है और मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो ये नोट किया गया कि उनको प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, वो क्रेविंग कम हो जाती है, उनका दुख बढ़ जाता है, सुख बढ़ जाता है, दुख बांटने से बढ़ जाता है, घट जाता है, दुख बांटने से घट जाता है, सुख बांटने से बढ़ जाता है, वो वाली चीज यहाँ भी काम करती है। तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि भाई ये लोग आपस में बात करते हैं और सिर्फ बात करते हैं, कोई पीछे छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है, कोई पैसा नहीं है, किसी संस्था धर्म मतलब धर्म से, राजनीति से, किसी मूल्य से, मूल्य वर्ग से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सिंगलनेस ऑफ पर्पज है कि मुझे निकोटिन से समस्या है, आज के दिन मैं निकोटिन से दूर हूँ, तो जो निकोटिन से समस्या से ग्रसित व्यक्ति है मैं उसको कैसे मदद कर सकता हूँ। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे संस्था काम करती है और अमेजिंगली बहुत शानदार रिजल्ट है। Right. बहुत शानदार रिजल्ट हैं वो। हम लोगों ने पिछले 4 साल में इंडिया में ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू ये चीज देखी है करते हुए कि पिछले 4 साल में लगभग 1000 से ज्यादा लोग सोबर हैं आज के दिन निकोटिन से, और वो बात करते हैं डेली बेसिस पे। दिन में 3 बार वो मिलते हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे और रात 9:30 बजे जूम मीटिंग पे वो लोग मिलकर। जूम मीटिंग का लिंक और उसकी आईडी मैं अभी आपको दे दूंगा, तो जो भी व्यक्ति समस्या से ग्रसित हैं, जुड़ना चाहते हैं, समस्या से ग्रसित हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, और ये ट्रीटमेंट ऐसा है इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, इसमें कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है सारा मामला। आपका नाम भी वो लोग अनाम रखते हैं, एनोनिमस इसीलिए कि वो नाम भी पूरा आपका आपको नहीं बताना नहीं है, और उन्हें तो कोई मतलब है ही नहीं है। आप क्या करते हो, कौन हो, क्या है, कुछ नहीं लेना देना है। सिंगलनेस ऑफ पर्पज है कि मुझे निकोटिन से समस्या है, नशे से दूर रहना। क्या बात, थैंक यू सो मच सर आपका जुड़ने के लिए। और जाते आते इस पॉडकास्ट के अंत में एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जो एडिक्शन है वो 14 से 19 के बीच में जो जब उम्र होती है तब होता है, और एडिक्शन के चांसेस 40% होते हैं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है इस तरीके के नशे की या तंबाकू के उत्पाद घर में कोई पहले से कंज्यूम करता है, तो ये जो चांसेस हैं ये 50% पहुंच जाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जो मेरे दोस्त हैं, उन सभी को, यंगिस्तान के साथियों को हाथ जोड़ करके मेरा बस यही कहना है कि आप किसी भी तरीके के तंबाकू उत्पाद से दूरी बना करके रखिएगा, ताकि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपकी फैमिली में, आपके घर पर मुस्कान आती रहे।
सुनते रहिए माय एफएम, चलो अच्छा सुनते हैं। थैंक यू सो मच इटर्नल हॉस्पिटल की टीम का इस कैंपेन को जनता तक पहुंचाने के लिए।